Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss what we mean by a peroxide linkage and how we may be able to find number of peroxide bonds present in a given molecule. So let's get started. Peroxide bond or peroxide linkage. The bond in which two oxygen atoms are directly connected by a single covalent bond is called a peroxide bond. Ek aisa bond jisme do oxygen atoms ke beech mein ek single covalent bond hota hai, is bond ko hum kehte hain peroxide bond. पेरोक्साइड बॉन्ड के लिए खाली ये जरूरी नहीं है कि दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बल्कि इन ऑर्डर फॉर ए बॉन्ड टू बी ए पेरोक्साइड इट शुड पोजेस सम कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स. सो लेट मी टेल यू व्हाट आर दोज रिक्वायरमेंट्स फॉर ए बॉन्ड टू एक्ट एज ए पेरोक्साइड बॉन्ड. सो नंबर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू -1. पेरोक्साइड बॉन्ड के लिए जरूरी है कि ये जो ऑक्सीजन है या ये वाला ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्सीजन स्टेट -1 होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने मॉलिक्यूल लिखा H2O2. इफ वी विल कैलकुलेट द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ दिस ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ दिस ऑक्सीजन इज -1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे हम असाइन करेंगे -1 चार्ज और इस बॉन्ड से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. सेम इज द केस विद दिस ऑक्सीजन, इस पर भी ये वाला बॉन्ड डिस्प्लेस होगा इस वाले ऑक्सीजन की तरफ, इस पर हम असाइन करेंगे -1 चार्ज. तो कहने का मतलब यह है इस बॉन्ड में, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड, ये कहलाता है पेरोक्साइड बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रहा है -1. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्या ये कंपाउंड जो है O2F2 इज इट पेरोक्साइड लिंकेज, इस कंपाउंड में क्या पेरोक्साइड लिंकेज है, द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज कनेक्टेड विद द फ्लोरीन और फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. एज अ रिजल्ट फ्लोरीन कैन हैव -1 ऑक्सीजन स्टेट एंड ऑक्सीजन कैन हैव +1 ऑक्सीजन स्टेट इन दिस कंपाउंड. तो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट जो है दैट इज +1. और पेरोक्साइड बॉन्ड के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन शुड बी -1. सो दिस कंपाउंड डज नॉट पोजेस पेरोक्साइड लिंकेज. सो व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नेबरिंग एटम्स should be less than that of the oxygen. यानी कि oxygen के साथ ये जो दो atoms connect होते हैं A और B, A और B इस वाले compound में hydrogen थे और इस वाले compound में fluorine थे, ये A और B जो है इनकी electronegativity oxygen से कम होनी चाहिए. So मैंने क्या बताया यहां पर, electronegativity of the neighboring atom should be less than that of the oxygen. अगर ऑक्सीजन से ज्यादा electronegativity है तब ये peroxide bond नहीं कहलाता है, क्योंकि तब इसका oxygen state +1 के बराबर आता है. हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड द पेरोक्साइड लिंकेज? अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, आपको कंपाउंड दिया जाएगा और आपसे पूछा जाता है कि इस कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड है कि नहीं. तो इसके लिए आपको क्या करना है काम, आपको यह पता है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. मतलब जो ग्रुप नंबर 1 है इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट +1 हो सकता है. ग्रुप नंबर 2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो होते हैं तो दो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है. 13 में होते हैं तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो तीन ऑक्सीजन स्टेट. सिमिलरली 14, 15, 16, 17 में कितने हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट 7 मैक्सिमम हो सकता है. तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके मॉलिक्यूल में मैक्सिमम से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट आएगा, अगर आपके मॉलिक्यूल में एक एटम का ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आता है, तब जाके वो कंपाउंड जो है उस कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड होता है. तो अगर आपको देखना है कि एक कंपाउंड में पेरोक्साइड लिंकेज है कि नहीं है, आप इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे उस एटम का, अगर वो मैक्सिमम से ज्यादा आ गया देन दैट कंपाउंड पोजेसेस पेरोक्साइड लिंकेज. सो व्हाट इज द रूल? यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड. If it comes out more than the maximum oxygen state possible for that atom, that compound definitely possesses peroxide linkage. मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, which of the following compounds possesses peroxide linkage? आपको तीन कंपाउंड्स यहां पे दिए हैं सल्फर के, और आपको बताना है इन कंपाउंड्स में पेरोक्साइड लिंकेज किस कंपाउंड में देखा जाता है. तो आपको क्या करना है काम, आप निकालेंगे ऑक्सीजन स्टेट नॉर्मली जैसे आप निकालते हैं, वो मैंने इससे पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है. तो आपको इस कंपाउंड में निकालना ऑक्सीजन स्टेट सल्फर का. ओके, तो हाइड्रोजन यहां पे दो है, मैंने किया 2 × 1. सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट मैंने एक्स रखा है, सो 2 × x, क्योंकि सल्फर दो है और ऑक्सीजन 8 है. एक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट होता है -2,
टोटल चार्ज कंपाउंड पे क्या है, जीरो। सो ऑन सॉल्विंग इट इज 2 + 2x - 16 इज इक्वल टू जीरो और 2x - 14 इज इक्वल टू जीरो, 2x इज इक्वल टू 14, x हो गया बराबर 14/2, दैट इज इक्वल टू 7। तो इस कंपाउंड में सल्फर का ऑर्डिनेंस रेट हमने निकाला, दैट इज 7। चलिए इस वाले कंपाउंड में देखते हैं, इट इज 2 × 1 + 2x, 7 × -2 इज इक्वल टू जीरो, दैट इज 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू जीरो, 2x - 12 इज इक्वल टू जीरो, x किसके बराबर आएगा 12/2, दैट इज इक्वल टू 6। लेट मी ट्राई विद दिस कंपाउंड, सो इट इज 2 + 1 + 2x + 6 × -2 इज इक्वल टू जीरो, सल्फर का मैं एक्स रख दाऊ, सो 2 + 2x - 12 इज इक्वल टू जीरो, 2x - 10 इज इक्वल टू जीरो, 2x = 10, x = 10/2, दैट इज 5। अब हमें पता है सल्फर जो है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, सल्फर के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट जो है वो हो सकता है 6। तो इस कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट 6 आ गया, इस कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट 5 आ गया, इस कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट 7 के बराबर आ गया। तो मैक्सिमम जो पॉसिबल है दैट इज 6, क्योंकि 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सल्फर को, क्योंकि इस कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आ गया, तो यानी कि ये वाला कंपाउंड जो है इस कंपाउंड में क्या है, परोक्साइड लिंकेज। सो व्हाट इज द आंसर इज फर्स्ट पार्ट, H2S2O8 जो है इट कंटेन्स परोक्साइड बॉन्ड, बिकॉज इन दिस कंपाउंड द कैलकुलेटेड ऑक्सीजन स्टेट कम्स आउट टू बी मोर देन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट। ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको पता चल गया अब कंपाउंड में परोक्साइड बॉन्ड है, नाउ आई वांट टू टेल यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परोक्साइड बॉन्ड्स आर। क्या आपके कंपाउंड में एक परोक्साइड बॉन्ड है, दो परोक्साइड बॉन्ड है, तीन परोक्साइड बॉन्ड है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक कंपाउंड में कितनी परोक्साइड बॉन्ड है। नाउ आई विल टेल यू अ ट्रिक। केस नंबर 1, सिंगल सेंट्रल एटम, यानी कि हम पहले वो मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे जिनमें एक ही सेंट्रल एटम होता है, फॉर एग्जांपल H2SO5, यहां पे सल्फर एक, HNO4 सेंट्रल एटम एक, नाइट्रोजन, क्रोमियम पेंटोक्साइड क्रोमियम एक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, काम परोक्साइड बॉन्ड अगर आपको देखना है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, आपको कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन स्टेट सेंट्रल एटम का, जो कंपाउंड में नॉर्मली आपको ऑक्सीजन स्टेट आएगा वो आपको लिखा है, इसको कहते हैं कैलकुलेटेड ऑक्सीजन स्टेट, माइनस करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट क्या है और डिवाइड करेंगे 2। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपाउंड नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, H2SO5, हमें बताना है कि इसमें परोक्साइड बॉन्ड्स कितने हैं। पहले तो आपको देखना है कि इसमें परोक्साइड बॉन्ड है कि नहीं, वो तो हमें पता चलेगा क्योंकि इस कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा, 5 × 2 = 10 - 2, दैट्स 8 आता है, तो 8 आता है कि 6 से ज्यादा, मीन इसमें परोक्साइड बॉन्ड है। अब कितने बॉन्ड्स है वो हमें कैसे पता चलेगा, कैलकुलेट ऑक्सीजन स्टेट, इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है यहां पे सल्फर का, 5 × 2 = 10, 10 में से 2 करो कम तो वो हो गया 8, तो 8 आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद माइनस। लेकिन मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, मैक्सिमम तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम इज 6, सो मैंने लिखा 8 - 6, 8 इज कैलकुलेटेड, -6 इज पॉसिबल और डिवाइड बाई किया 2 फॉर्मूला का। सो व्हाट इज 8 - 6, 8 - 6 हो गया 2 / 2, सो आंसर इज 1। सो यानी कि इस वाले कंपाउंड में एक परोक्साइड बॉन्ड है। तो अगर मैं H2SO5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, तो यहां पे एक परोक्साइड बॉन्ड है। ओके, कमिंग डाउन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो इसका है, HNO4, HNO4 जो है इसमें अगर आपको परोक्साइड बॉन्ड दिखने तो कैलकुलेट कितना आएगा, 4 × 2 = 8 में से 1 कम हो गया तो 7, और नॉर्मल मैक्सिमम इसका कितना हो सकता है, मैक्सिमम इसका हो सकता है 5, क्योंकि इसके पास 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, डिवाइड बाई 2, सो 7 - 5 इज अगेन 2 / 2, दैट इज 1। सो इसमें भी एक परोक्साइड बॉन्ड है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, इसका स्ट्रक्चर यह है नाइट्रिक एसिड का, सॉरी परोक्सी नाइट्रिक एसिड का, तो यहां पे एक परोक्साइड बॉन्ड है। ओके, लास्ट एग्जांपल जो हमारे पास है CrO5, क्रोमियम पेंटोक्साइड, इसमें परोक्साइड बॉन्ड कितने, अगर मैं डायरेक्टली ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करूंगा तो 10 के बराबर आएगा, लेकिन क्रोमियम के पास 3d5 4s1 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल कितना है इसमें, मैक्सिमम पॉसिबल क्रोमियम में कितना है 6, और कैलकुलेट कितना आ रहा है यहां पे 10, सो व्हाट इज द आंसर, 10 - 6 / 2, सो दैट इज 4 / 2, दैट इज इक्वल टू, यानी कि इस कंपाउंड में 2 परोक्साइड बॉन्ड्स है। तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रा करेंगे, क्रोमियम यह है 2 परोक्साइड बॉन्ड और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डायरेक्ट। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे वो वाले कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम एक होता है, केस नंबर 2। नाउ वी विल डिस्कस द मॉलिक्यूल विद मोर देन वन सेंट्रल एटम। अब हम वो मॉलिक्यूल्स देखेंगे जिनमें सेंट्रल एटम एक से ज्यादा होता है, लाइक दिस, इसमें है 2 सल्फर एटम्स, इसमें है 2 फॉस्फोरस एटम, तो इन मॉलिक्यूल्स में हम
peroxide bonds कैसे निकालते हैं। Number of peroxide bonds के लिए formula क्या है? Calculate oxygen state minus maximum possible oxygen state. For example, compound number first में क्या है? H2S2O8 जो है, इसमें peroxide bond निकालने। Calculate oxygen state. इस compound में अगर मैं oxygen state calculate करूँगा sulfur का, तो कितना आएगा? A2 16 में से 2 हो गए 14 divided by 2, that's equal to 7. तो calculate करने के बाद 7 आता है, minus मैक्सिमम कितना सल्फर के लिए पॉसिबल है? 6, सो इट इज 7 माइनस 6। 7 माइनस 6 किसके बराबर होता है? 1। तो इसमें एक परोक्साइड बॉन्ड है। तो ये मैं यहां पे बताना चाहता हूं, अगर मैं इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये है एक परोक्साइड बॉन्ड, सो इट इज बेसिकली परोक्साइड एसिड। और लास्ट में मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जिन कंपाउंड में परोक्साइड बॉन्ड पाया जाता है, देखा जाता है, इन कंपाउंड्स को सबसे पहले जो हम टर्म लगाते हैं दैट इज परोक्सी। That's what? Peroxy. So thanks for watching this video.